अस्सलाम वालेकुम फेलोज़, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है हरियत से होंगे। मैं आज आपको पेरिस की सैर कराऊंगा। इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसका नाम है प्लास रिपब्लिक, और ये जगह इस्तेमाल होती है यहाँ पे जो स्ट्राइक्स होती हैं, जितनी भी किसी भी मुल्क की हो, किसी भी काम की हो, वो यहाँ पे आकर लोग करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊपर एक स्टैचू है, उसने यूक्रेन का झंडा पहना हुआ है। वो यूक्रेन के साथ संप्रीति के लिए उन्होंने इसको पहनाया झंडा। और इसके अलावा ये सामने पुलिस स्टेशन है, ये मरकजी जो पेरिस का सेंट्रल पुलिस स्टेशन है वो है। और बाकी ये काफ़ी वसी जगह है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग, जो लोग अपना कोई किसी किस्म का भी प्रॉब्लम हो, प्रोटेस्ट हो, वो इसके लिए यहाँ पे गैदरिंग कर सकते हैं। ये पेरिस का मेन चर्च है, और संडे को यहाँ पे पाँव रखने की जगह भी नहीं मिलती। इधर ये दो स्टैचू बनाए हुए हैं फ्रेंच गवर्नमेंट ने। इसकी हिस्ट्री है कि यहाँ पे दो बैगर से जो इस तरह खड़े होते थे, या इस तरह के स्टैचू बना कर उन्होंने रखे होते थे अपने पास। मेरा ख्याल इसी तरह इसी शेप में खड़े होते होंगे, तो उनका एक मेमोरियल बना दिया उन्होंने कि उनके स्टैचू बना के तो यहाँ पर वेजा कर दी हैं। ये एक्चुअली ये होटल डी वेल है, या होटल डी वेल है, और यहाँ पे इनके काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल मुनक्कद होते हैं। यहाँ पे ये आर्टिफिशियल बर्फ बना के तो बच्चों की स्केटिंग के प्रोग्राम भी करते हैं। ओलंपिक का साइन भी बनाया हुआ है इन्होंने। ये पीछे इन्होंने ओलंपिक का साइन लगाया हुआ है, अपनी जो सेंट्रल इनकी कम्युनिटी का ये हब है वहाँ पे लगाया हुआ है, क्योंकि 2024 में के जो ओलंपिक्स हैं वो पेरिस में होने हैं, तो उसको अभी से इन्होंने उसकी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। और ये सेंट्रल में इन्होंने साइन लगा दिया हुआ है,
अपनी खुशी के लिए, जुबिलेशन के लिए कि ये होस्ट कर रहे हैं ओलंपिक्स को। ये एक बहुत बड़ा एहसास है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी शहर के लिए कि वो ओलंपिक्स ऐसे इंटरनेशनल जो होते हैं इवेंट्स, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको होस्ट करना, ये किसी भी मुल्क के लिए बहुत बड़े एहसास की बात है। ये इनका जो कम्युनिटी का हेडक्वार्टर है वो है, और इसके सामने ये एक इनका चर्च है जो सबसे पुराना फ्रेंच चर्च है। इसमें रिसेंटली आग लग गई थी, तो उस वजह से ये सारा जो है ना अंदर से डिस्ट्रॉय हो गया था। अब उसी स्ट्रक्चर की जो है ना दोबारा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये मेन चर्च में जो आग लगी थी ये उसके कुछ तस्वीरें खींच के इन्होंने लगाई हुई हैं सिर्फ। अब इसकी रिहैबिलिटेशन या रिबिल्डिंग के लिए ये था एक्चुअली चर्च नॉर्थ डोम दी पैरिस। आग लगने के बाद इस चर्च की एंट्रेंस बंद कर दी है और इसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा जारी है, और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम दरकार है इनको। और जो मुझे सुनने में मिला है वो यही है कि काफ़ी दुनिया ने, यूरोप ने और अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा फंडिंग की है। ये तकरीबन 850-900 साल पुराना चर्च है और बड़ा हिस्टोरिकल है क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, तो इसलिए जितने भी ये सोसाइटी है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फंडिंग की है और इसकी कंस्ट्रक्शन को दोबारा जो है ना शुरू किया हुआ है। और इनका ये है कि इसको एज इट इज़ बनाना है जैसा कि ये फायर लग आग से पहले था। ये चौका एक हिस्टोरिकल प्लेस है, इसलिए यहाँ पे भी टूरिस्ट आए हुए हैं। कोई इतनी ज़्यादा तादाद तो नहीं है, उसकी मेरा ख्याल रीज़न यही है कि इसकी एंट्रेंस बंद की हुई है, और चूँकि एंट्रेंस बंद है तो अंदर जाकर तो आप इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते, तो इसलिए कम विजिटर आए हुए हैं यहाँ पे। ये फ्रेंच इमिग्रेशन का ऑफिस है, जितने भी रिफ्यूजीज आए हैं या इनके जो फॉरेन एक्सपर्ट्स आए हुए हैं वो सारे अपने मामलात यहाँ से आगे हल करवाते हैं, जो पेपर्स का मसला है या उनके जो कार्ड देते हैं, ये परमानेंट रेजिडेंस है, पासपोर्ट वगैरह है, वो सारे मैटर्स जो है वो यहीं पे सॉल्व होते हैं। और ये बिल्कुल नॉर्थ डोम चर्च के सामने है। ये अब मेन पेरिस का एरिया है, वॉकिंग स्ट्रीट है, यहाँ पे वॉक करते हैं और साथ इसके जो फैक्ट्स हैं उनको कैप्चर करते हैं।
ही बिठा दो। ये है जी लोरवे म्यूज़ियम है, फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन इसी कुछ और ही है, लेकिन यहाँ पे जो आंटी मोना लिसा हैं वो तशरीफ़ फरमाए। लोरवे म्यूज़ियम में ये एक एग्ज़िबिशन है आर्ट्स डिला इस्लाम, इस्लाम के बारे में अवेयरनेस जो दी जाएगी इस एग्ज़िबिशन में, और इसकी नीचे डेट भी मेंशन है 20 नवंबर से ये स्टार्ट होनी है, और 20 नवंबर 2021 से ऑनवर्ड 27 मार्च 2022 तक है, ये आजकल में ख़त्म होने वाली है। मूज़े दी लोर ये फ्रेंच नेम है, वैसे हम कहते हैं लोरवे म्यूज़ियम। ये रहा जी लोरवे म्यूज़ियम, और ये सारे जो रॉयल्स थे इनके हुक्मरान थे उनकी ये रहायशें हैं। इस म्यूज़ियम की सारी जो इम्पोर्टेंस है वो मोना लिसा की पेंटिंग है, मैंने उसकी हिस्ट्री तो नहीं पढ़ी ना ही मुझे पता है कि वो क्या है तो क्या नहीं, लेकिन ये मैंने सुना है काफ़ी कि इसकी बड़ी ज़्यादा अहमियत है। यह लोरवे म्यूज़ियम की एंट्रेंस है, ये म्यूज़ियम है जी जो पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस है, और ये इसकी सराउंडिंग्स हैं, सराउंडिंग्स में जो सारे रहायशे उनकी रहायशें हैं थी, बल्कि अब तो मेरा नहीं रहते, अब तो म्यूज़ियम वगैरह इसी तरह की इन्होंने बिल्डिंग को बना दिया हुआ है स्ट्रक्चर, लेकिन ये बड़ा यूनिक सा और बड़ा सही एंशियंट जो है ना वो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है। ये पेरिस का ओपेरा हाउस है, अकेडमी नेशनल ऑफ म्यूज़ियम, इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी हट गई है, तो यहाँ पे बहुत ही फेमस इनके जो आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, यहाँ से वर्क करके तो निकले हुए हैं ट्रेनिंग लेके, इनकी प्रोनाउंसिएशन के उनके नाम भी बड़े मुश्किल हैं, तो वो जो है ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल ये इम्तहान है इनके नामों को प्रोनाउंस करना। ये भी काफ़ी हिस्टोरिकल है, और इसके सामने बंदा पाइप बजा रहा है, और बाकी टूरिस्ट जो हैं इसको एंजॉय कर रहे हैं। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये बड़ा अच्छा पॉइंट बनाया हुआ है, उन्होंने फाउंटेन्स चल रहे हैं, और जो इन्होंने अपने स्टैचू वगैरह बनाए हुए हैं, ये इनके पुराने जो हुक्मरान हैं उनके स्कैटर बना के उन्होंने रखे हुए हैं।
और ये एक अच्छी जो है प्लेस है, काफ़ी ज़्यादा कैंपिंग है, लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, मूवीज़ बना रहे हैं। और ये सामने की नेशनल असम्बली है, तो उसके साथ ही आईफल टावर है। ये जो पेरिस की नेशनल असम्बली है, इसके साथ ये मोनूमेंट्स बनाए हुए हैं इन्होंने। इसके सामने ये इस तरफ दो महल हैं, पैलेस बोलते हैं ये इनको अपनी लैंग्वेज में। एक के ऊपर तो काम चल रहा है और दूसरा ये है। और ये थोड़ी सी वॉक के बाद फिर वो रिवर आ गया, राइन रिवर, जो पूरे पेरिस में जो है वो फैला हुआ है, और लोग इसके गिरदनुमा वॉक करते हैं। यहाँ पे इसके साथ अब आईफेल टावर काफ़ी नज़दीक रह गया, और साथ ही थोड़ा सा आगे शांजेली से स्ट्रीट शुरू है। व्यूअर्स, ये मेट्रो डी कंकोर्ड का एरिया है, और ये काफ़ी फेमस है पेरिस में, क्योंकि यहाँ पे इनकी नेशनल असेंबली है। और
ये लोग क्यू में खड़े हैं आर्क दी ट्रम्फ में पिक्चर बनाने के लिए। ये थोड़ा सा एरिया रोड में उन्होंने डेडिकेटेड किया है लोगों के लिए तस्वीरें बनाने के लिए। और ये इसके बिल्कुल सामने है शांज़ेलीज़े स्ट्रीट, मेट्रो इंडोर पेरिस है। और इसका बड़ा ही सारी मेट्रो इनके इंडोर है, बड़ा नीचे इन्होंने इंटरेस्टिंग बनाया हुआ सारा सिलसिला, आर्ट्स लगाई हुई हैं, पिक्चर्स लगाई हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटी है। पेरिस की मेट्रो में हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे भी मुझे पता चला है कि इनकी जो दो मेट्रो हैं एक नंबर 14 नंबर के बगैर ड्राइवर के चलती हैं। इसके अलावा तो मुझे ये पता था कि दुबई में ड्राइवरलेस मेट्रो चलती है, लेकिन उसका ये खसूसियत है कि वो दुनिया की पहली जो है ना वो ड्राइवरलेस मेट्रो थी, दुबई की जो मेट्रो थी। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह कि पेरिस में भी जो है ना ये ड्राइवरलेस मेट्रो चलती है, लेकिन उसमें भी दो लाइन्स हैं, 1 नंबर और 14 नंबर, बाकी सारी जो है वो ड्राइवर ऑपरेट करते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। ये स्ट्रीट है जी रुई क्रीमियो और इसमें हॉलीवुड की काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ बनी हुई हैं। इसकी खसूसियत ये है कि बड़े कलरफुल से घर हैं इस गली में। तुर्कश रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बैठे हैं, लस्सी मंगवाई है मैंने काफ़ी दिनों के बाद, इसका काफ़ी मज़ा आएगा लस्सी का। मुझे ये इनकी समझ नहीं आई कि तुर्कश जो है ये खाना कवर करके क्यों देते हैं, ब्रेड के नीचे इन्होंने सारा छुपाया होता है।